के 1 बजे ये भाई साहब चाय पी रहे हैं देखिए, और केक भी हमने ले लिया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैं कल ही जस्ट रात में ही आई हूँ और आप देख सकते हैं रूम की हालत, क्योंकि पूरा रूम शैल ने इतना ज़्यादा गंदा कर दिया, इतना ज़्यादा गंदा कर दिया कि बस आप पूछिए मत। मैं पूरा सब कुछ क्लीन कर रही हूँ कब से बैठकर, और मुझे अभी ऑलमोस्ट 5 बज गए मुझे, और अभी तक भी रूम पूरा प्रॉपर से गंदा हो रहा है। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से क्या उठाऊँ। इन्होंने सिर्फ 10 दिन में ऐसा रूम कर दिया। अगर मैं मैक्सिमम 1 मंथ के लिए चली गई तो मेरा क्या करेंगे ये। तो मैं अभी सुबह से लगी हुई हूँ, मैंने व्लॉगिंग भी नहीं बनाई क्योंकि पूरा घर रूम क्लीन करना भी ज़रूरी था। तो मैंने अभी जस्ट अभी तक मैंने सिर्फ ये सब सेट करके रखे हैं सामान यहाँ पर, और ये सब अभी बिखरा हुआ है, ये सब अभी क्लीन करना है मुझे। तो बस समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या करूँ, बट करना तो पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे सफाई के बाद, फिर मैं आपसे मिलूँगी, फिर व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। तो आपसे मिलते हैं सफाई के बाद। और अभी यहाँ देखिए ये क्या हाल कर रखा है, चल का कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए सफाई कर, तो उसके बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो सुबह से आपको पता ही है कि मैं कितनी बिजी थी, कितना ज़्यादा मैंने सफाई करी और बिल्कुल बिजी थी। और अब जो है पूरा रूम मैंने क्लीन करा, और इन जनाब को आप देख सकते हैं ये जा रहे हैं बाहर रेडी होकर। देखिए कितना एक्शन दिखा रहे हैं, ज़ूम नहीं होता इस फ्रेंड पर। तो चलिए मैं अब जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए नहा के, उसके बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैं आ चुकी हूँ फ्रेश होकर, मेरा पार्सल आया, अभी इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनानी है। किचन में चलते हैं और देखते हैं कि क्या बनाना है, क्योंकि आज घर पे बाजी पापा और जैद जो थे वो गए हुए थे हॉस्पिटल, वो काफी लेट आए थे, और अभी घर पे बिल्कुल सोफ्ता हो रहा है, सब सो रहे हैं। तो मैं किचन में हूँ और मैं सोच रही थी, आज घर में दाल बनी हुई थी तो मैं सोच रही थी कि दाल के साथ रोटी नहीं बना रही, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ दाल के साथ पराठे, क्योंकि पराठे जो है वो दाल से खा लिए जाते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। तो मैंने अभी आटा गूंदा है और अब मैं आज ट्राई करूँगी पराठे बनाने के लिए। शैल तो क्योंकि बाहर गए हुए, वो अपने फ्रेंड्स के साथ गए हुए हैं शैल, तो वो वहीं बाहर ही खाना खाएंगे। तो मैं आज ट्राई करूँगी कि घर पर पराठे बनाऊँ। तो मैं अभी बनाती हूँ और फिर देखती हूँ कि कैसे बन रहे हैं। और बाजी जो है, क्योंकि घर पर बहुत दिन से ही बाजार से रोटी आ रही थी, बाजी के हाथ में अभी भी प्रॉब्लम है, इसलिए वो रोटी नहीं बना पा रही थी, इसलिए। और मैं भी घर पे थी, मैं बीमार थी, मैं भी घर पे ही थी रुकी हुई। तो अभी चलिए मैं आ गई हूँ, तो मैं घर में अब बनाऊंगी रोटी फाइनली, सबको आज घर का खाना मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली मैंने रोटी बना ली और रोटी बन गई है। तो चलिए चलते हैं, अब करते हैं किचन क्लीन, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो मैं जस्ट किचन में से अभी फ्री हुई हूँ और मेरा जो पार्सल आया हुआ है ये, इसको खोलते हैं, अनबॉक्सिंग वाली वीडियो बनाते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और शेल का वेट करते करते बाजी और मैंने खाना खा लिया, और अभी जो है रात के अभी 11 बज रहे हैं रात के, और मुझे आप देख सकते हैं मैंने क्या पहन लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लूज का मन था कि कुछ लूज पहन लूँ। बहुत मुझे अभी ऐसा हो रहा था टाइट टाइट कपड़ों में, तो मैंने देखे बिल्कुल बिल्कुल लूज लूज कपड़े पहन। अभी आप देख सकते हैं रात के इतनी लेट, हमारे जो जुल्फिकार भाई हैं ये देखिए क्या कर रहे हैं। हाँ जी, क्या हो रहा है ये किचन में बैठकर? चाय पकड़ी और तुम फोन, यानी बैटरी चार्ज होने तक कभी वेट नहीं किया जा रहा आपसे है। बोर हो रहे हैं, सो ली शाम से 10 बजे उठे थे, सोते अभी नहीं आ रही। अभी जो है यहाँ पर चाय बजे, शाम को नींद आएगी, 11 बजे नींद आएगी, 10 बजे नींद आएगी, और एक्चुअल में जब 1 बजे 2 बजे गई बच गई, फेंका नहीं चश्मा, ऐसा हो गया। तो मैं कह रही थी कि एक्चुअल में जब नींद आनी चाहिए, किसी की हम बारात जा रही, ढोल बज रहे, मेरी बात ही पूरी नहीं हो पा रही। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि एक्चुअल में जब नींद आनी चाहिए, कितने बजे, 1 बजे 12 बजे, उस टाइम पर मुझे नींद नहीं आती। मुझे नींद आती शाम को, दोपहर में, और रात के खाने के टाइम पे, ऐसे टाइमों पर मुझे नींद आती। और जब नींद आनी चाहिए रात में, तो नींद आती नहीं है और फिर मैं जागती रहती हूँ। ये सीन मेरे साथ पता नहीं क्यों होता है, किसी के इतने ज़्यादा ढोल बज रहे ना, मेरा भी दिल करने लगा कि शादी में चली जाऊँ। हमारे नहीं हो रही किसी की भी शादी है, हमारे किसी की भी शादी नहीं हो रही अभी, मेरा भी दिल करने लगा। तो अभी जस्ट मैं अब
रूम में जा रही हूँ और अभी देखते हैं शेल कब तक आएंगे। जैसे ही वो आएंगे तब मैं आप लोगों से मिलवाऊंगी, क्योंकि आज शेल ने बिल्कुल भी नहीं बोला कि मेरा नाम है फूल और मैं काम करता हूँ पूरा। ये वर्ड भी शेल के यही लाइन्स भी मिस है। हमारे जो जलील शायर हैं वो अपने घर जा चुके हैं, तो आरिश जो है वो अपने घर गए हुए। जब वो भाई आएंगे तब उनसे हम शायरी बुलवाएंगे। तो चलिए मैं इस पार्ट को यहीं पर ही कट कर रही हूँ, मिलेंगे जब शैल आ जाएंगे, तब तक मैं थोड़ा सा कुछ और कर लेती हूँ। तो चलिए जब आप लोगों से जब मिलवाऊंगी जब शैल आ जाएंगे। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 2 बज रहे हैं और मैं बिल्कुल नींदों में हो रही हूँ बहुत ज़्यादा, और शैल का अभी तक कुछ पता नहीं है। शैल अभी तक भी नहीं आए, बाहर ही है। अभी जस्ट उनका फ़ोन आया था तो अभी बोल रहे थे आ जाऊँगा आ जाऊँगा। ये जो बॉयज़ होते हैं ना इनकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इनके 5 मिनट जो होते हैं ना वो होते पूरे 1 घंटे में। कोई लड़का आपसे ये बोल रहा है ना कि बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो ये मत सोचिए कि वो 5 मिनट में ही आ रहे हैं। उनका सोचिए कि वो आपसे बोल रहे हैं 1 घंटे बाद आएंगे वो। तो शैल के साथ भी ऐसे ही है। शैल बोलते हैं बस 5 मिनट, बस 15 मिनट, और आते 1-1 घंटे में। तो अभी शैल से बात हुई है तो वो तो अभी खैर दूर ही है, अभी उन्हें लेट हो जाएगा आते आते। और अभी जो है रात के 2 बज रहे और मुझे बहुत ज़्यादा अब नींद आ रही है। मैं आप लोगों से पता नहीं मिलवाऊंगी या नहीं, फिर तो कल ही मिलेंगे। तो मैं तो अभी थोड़ा सा और वेट कर लूँ शैल का, नहीं आएंगे तो मैं सो जाऊंगी, फिर सुबह ही मिलेंगे आप लोगों से। तो गाइज मैं सो गई थी, जस्ट अभी उठी हूँ सुबह के 6:15 हो रहे हैं और शैल अभी तक नहीं आए। शैल अब तक बाहर है और मैं अब जाग रही हूँ और अब मुझे गुस्सा आ रहा है। शैल का वेट करते करते ही मैं सो गई तो मुझे नींद आ गई थी, बट जस्ट अभी मेरी आँख खुली, मुझे भूख लग रही थी, क्योंकि मुझे भूख लग जाती है रात में कभी भी उठकर मुझे खाना होता है। तो जस्ट मैं अभी उठी तो देखा शैल अभी भी नहीं है घर पर, और सुबह के 6:15 जनाब अब तक बाहर है। चलिए मैं सो रही हूँ अभी दोबारा से, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। तो आप देख सकते हैं सुबह के 7 बजने वाले हैं और शैल अभी भी घर पर नहीं है, जो बाहर ही है। और क्या कहते हैं, मेरी आँख खुल गई थी और मैं सो नहीं पा रही हूँ, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही और मुझे गुस्सा हो रहा है और हंसी भी आ रही है कि मैं अपनी नींद क्यों ख़राब कर रही हूँ, शैल कर रहे तो कर रहे, मेरी क्यों नींद खराब हो रही है, बट पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही और अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। नींद क्यों नहीं आ रही मुझे, और मुझे सुबह जल्दी भी उठना था। मैंने सोचा था कुछ स्पेशल अच्छी से डिश बनाऊंगी घर पे कल और अच्छा सा कुछ करूंगी, बट यहाँ तो मैं सो ही नहीं पा रही हूँ प्रॉपर से, तो कैसे उठूंगी सुबह। व्लॉग भी अपलोड करना है और बहुत सारी चीज़ें, मुझे काम भी था बहुत सारा, मार्केट से जाकर कुछ सामान भी लेके आना था, और मैंने सोचा था सुबह उठ कर कॉलेज जाऊँगी अपने। मेरा जो सारे मैंने सोच रखा था ना, अपना रूटीन प्लान जो किया हुआ था पूरे दिन का, वो मेरा पूरा चौपट कर दिया शैल की वजह से, ये पूरा चौपट हुआ है। और मैं बस ट्राई करती हूँ कि मैं सो जाऊँ, और अगर शैल आ गए ना तो सीरियसली शैल को तो मैं बस शैल का तो मैं को मैं कपड़े वो डंडा होता है ना कपड़े वालों, कपड़े कूटने वालों से जो वो धोबी यूज़ करता है उन्हीं से ही कूटने वाली हूँ शैल को तो मैं। खैर जब आएंगे तभी तो ये सब करूँगी। चलिए दोबारा से ट्राई करती हूँ सोने की। तो चलिए पूछते हैं पापा से कि पापा को चाय पीनी है नहीं। पापा चाय अभी आज पीने, तो पापा कह रहे हैं अभी पहले हम सबको आने तो उसके बाद चाय पी। तो मैं जा रही हूँ वापस, ट्राई करती हूँ फिर से सोने की, अगर सो जाओ तो अच्छी बात है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो मेरी गुड मॉर्निंग जस्ट अभी गुड हुई है, क्योंकि है दोपहर के 3 बज रहे हैं। और के आपको लोगों को पता है मैं शहर का वेट करते करते काफ़ी लेट सोई थी, मुझे शायद 8 बज गए थे सोते सोते, पर मुझे ये नहीं पता है कि शहर कब आए। मैं सो गई थी, काफ़ी देर तक मैंने वेट किया शहर का, लेकिन वो नहीं आया तो मैं सो गई थी। तो मैं जस्ट अभी ही उठी जनाब, है अभी तक सो रही, मैं आपको इन्हें दिखाती हूँ, तो आप इन्हें देख सकते हैं अब तक भी सो रहे हैं। तो मैं तो शैल से अभी तक नाराज़ हूँ और मैं बोलूँगी भी, और घर में बहुत सारे और घर में बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, तो हम जो है
मैं और जैद मिलके कपड़े धो रहे हैं। बाजी सो रही है। कपड़े धो नहीं रहे, मतलब मशीन धो रही है, लेकिन हम बस डाल रहे हैं उसके अंदर। तो मैंने ब्रेकफास्ट तो कर लिया और जस्ट अभी अब मैं जो है रोटी बना रही हूँ बाजी की, क्योंकि तबीयत सही नहीं है। बाजी सो रही है और शैल तो पता नहीं कब आए थे इसलिए वो भी सो रहे हैं। तो घर में सिर्फ मैं, जैद और पापा ही जाग रहे हैं। तो चलिए जल्दी से रोटी बना दो, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और फिर मेरे फैंस आ गए थे, छोटे छोटे क्यूट क्यूट, इन सब के साथ मैंने सेल्फीज ली, बहुत ही प्यारे थे सब, क्यूट। तो किचन क्लीन हो चुका है और अब जो है मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। और ये जनाब जस्ट अभी उठे हैं शाम के 6 बजे, तो इनको नाश्ता दे देता है और मैं इनसे तो क्योंकि नाराज़ हूँ मैं बोलूँगी इन्हें, बस ऐसे ही नाश्ता दे दूँगी। तो मेरी रोटी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी तो है बट फूल रही है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हो मेरी रोटी फूल रही है। मन तो ये कर रहा है कि शेल के ब्रेड में बटर की जगह किसी भी लाल मिर्च पाउडर डाल दूं, बट क्या करूं, हैं तो हस्बैंड मेरे, बाद में प्रॉब्लम होगी तो मुझे देखना पड़ेगा, इसलिए अच्छा कोई बात नहीं बटर खिला देते हैं ना। तो ये रहा शेल का नाश्ता और वहाँ डांटी पड़ रही है शेल को। शेल को तो मैंने नाश्ता दे दिया, शेल को पड़ रही डांटी। यस अब बैठो ना बाबा, जब कोई दिक्कत परेशानी हो। भाई दिक्कत की बात नहीं भैया, घर में बैठो, दिक्कत की क्या बात है भाई, तुम्हारी बीवी है तुम अकेले तो नहीं हो। बाजी मैंने कुछ कहा था? कुछ कहा ही नहीं, मैंने कहा जाके खा के बस, मैंने तो टाइमिंग बताई है। बेटा कपड़े निकाल कर, कपड़े मारो मारो, स्टिक दो स्टिक, मेरा बोल रही है जलन हो रही है, बैठने वाले काम करता है, मारूं पहले बाबा जी, खाना टाइम पे नहीं खाओगे ये बता, जब पूरी तरह बाहर हम खाना क्या खाओगे, क्या खाना नहीं। देखो सुनो, इनकी तबीयत खराब के एक राज है, बाहर जाते खाते हैं ना रात रात भर, तभी भी खा लेते हैं। कल बहुत मोमो चाउमीन पता नहीं क्या क्या, फ्राई मोमो खा, फुल गरम गरम चिकन खाए, और सुबह आते ही बिरयानी खा ली, वो क्या कहते हैं, सोने में सुबह होगा जलन भाई, तो कुछ भी खाओ लेकिन अगर भैया कहता मैं तो पहले भी खा भैया घर पे टाइम आ रहा है मुझे। और मैं इनसे अभी तक नाराज़ हूँ और इन्हें यही नहीं पता कि मैं इनसे नाराज़ हूँ। मैंने जबकि इनसे अभी तक बात नहीं करी और इन्हें यही नहीं पता चल रहा है कि मैं इनसे नाराज़ हूँ, और मुझे आके मना भी नहीं रही है बट मैं अभी गुस्सा रहने वाली हूँ। तो इनकी फरमाइश पे मैं दोबारा चाय बना रही हूँ, पता नहीं कितनी चाय पीते हैं ये अल्लाह। तो चाय बन गई है और इन जनाब को मैं देकर आ रही हूँ। इनका इतना ना देख सकता हूँ, चाय पी लेना। तो गाइस आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कल रात मैं बाहर था अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं कांटेक्ट में था रूशि के बट थोड़ा सा लेट हो गया, अब रूशि मुझसे नाराज़ होकर बैठी हुई है, बहुत ज़्यादा इमोशनली, मतलब कि होता है ना इमोशनल हो जाना, तो मैंने ना उसको मनाने के लिए ना, मतलब उसको खुश करने के लिए मैंने ना उसके लिए केक मंगाया, केक बुक किया, कर तो दिया है मैंने बुक, पता नहीं वो आएगा या नहीं आएगा अल्लाह जाने, बट मैंने बुक कर दिया। अभी वो ये रही, मतलब कि यहाँ बैठी हुई थी, मैं यहाँ से उठ के चली गई बाहर जब मैंने ये वीडियो बनानी स्टार्ट करी, तो देखते हैं क्या होता है, क्या इसने बोला है कल वाले ब्लॉग के अंदर, मुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे तो बस थोड़ी सी मेरी बात हुई थी, जब से मुझसे बात नहीं करी मुझे बना रखा। जो औरतों का काम होता है वो ये, मतलब खैर सारी बातें छोड़िए, तो मैं इस चीज़ से थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं किस तरीके से मनाऊँ या किस तरीके से कहूँ, समझ नहीं आ रही मुझे कुछ। तो मुझे लग रही है भूख और मैं कर रहा हूँ अपने लिए खाना गरम, मुझे तो लगी रही थी, मैं साथ में रूशि को भी लगने लगी, बट रूशि मुझसे नाराज़ है बहुत ज़्यादा, मैंने उसके लिए केक मंगाया अभी तक आया नहीं है, रास्ते में है, निकल तो गया वहाँ से वो, बट देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। चलो आ रही है, कट कर दो। तो मैं खाना लेके आ गया हूँ गरम करके और इनका देखो मुंह बना हुआ है कैसे हंस रही है ये,
देखिए हंस कैसे रही है, हंस क्यों रही है भाई? नहीं मैं नहीं हंस रही। मैं नहीं हंस रही थी, खाना भी लिया है मैं तो गर्म करके। देखो ये रहा, ये तो अच्छी बात है, खा लो चलो। तो केक आ चुका है, मैं लेने के लिए जा रहा हूँ नीचे केक। और केक लेने के बाद देखते हैं, केक भी हमने ले लिया है, अब हम जा रहे हैं ऊपर। ऊपर जाके अब केक निकालेंगे हम थोड़ी देर में। जब मैं ऊपर केक लेके आया ना तो बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी, उसे भूख लग रही है। अब मैंने क्या करा, मैंने रूचि को बुलाया है, मैंने कहा थोड़ा सा दूध गर्म कर दो हल्का सा, क्योंकि फ्रिज में से निकाला बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बस मामूली सा करना है। थैंक यू सो मच नाराज़ होने वाली बीवी। तो अब हम जाएंगे बिल्ली के पास, बिल्ली को दूध देने के लिए। वो बहुत देर से म्याऊं म्याऊं कर रही थी, मेरा जीभ सा होने लगा ही दिल में। हो गया लाओ, अब मैं जाऊँगा। देखो मैंने कर लिया दूध, ये रहा दूध, दूध इसके अंदर है। गेट खोलना, जरा गेट खोलना, खोल नहीं बैक कैमरे से दिखाऊंगा तुम्हें। ये लो, ये ले, आ जा इधर, आ जा, पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो। तो अक्सर ना बेजुबान का ख्याल रखा करें, आपके घर के गेट के बाहर कुत्ते बिल्ली या जो जो भी जानवर पक्षी जो बोल नहीं सकते इंसानों से, प्लीज उन लोगों के लिए बाजरा आप लोग डाल सकते हैं। कबूतर के लिए बिल्ली कुत्ते हो गया, कुत्तों का आप बिस्किट डाल सकते हैं, बिल्ली को दूध दे सकते हैं, जो भी जिस चीज को खाता हो वो उसको खिलाएं जो बेजुबान है। और जरूरी नहीं है कि बेजुबान ही को खिलाया जाए, जिनके कोई नहीं है उनकी भी मदद करें। अल्लाह ने फरमाया कि आप लोगों की मदद करोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो जितना हो सकता है उतनी लोगों की मदद करें और जो बेजुबान है उनके लिए खाना दें और हमेशा खुश रहें। खा रही है, पी रही है, पी रही है। तो चलिए, तो चलिए अब निकालते हैं केक को। और केक को निकालने के बाद लेके चलते हैं। तो ले लिया है हमने, ले लिया है केक, अब चल रहे हैं। आजी ये लीजिए केक, पकड़ तो तुम ऐसे रहिए जैसे तुम बड़ी लालची हो। तुम केक पे तो तुमने एकदम झपट्टा मार दिया। देख मुझे पता, मुझे क्या पता कि क्या पता, व्लॉग नहीं बनाओ, क्या नहीं व्लॉग बनाएंगे, हम व्लॉग बनाएंगे, पूरा बनाएंगे व्लॉग। देखिए ये रहा केक, और ये केक है रूशी के लिए। अब देखे रूशी खुश हो गई, ये लालची बंदरिया, ये लौंडिया मान गई, लौंडिया मान गई, लौंडिया मान गई। मानी वानी नहीं हूं मैं। अच्छा फिर बस खा रही हूँ, आया तो लालची तो यूं क्या ना, लालची है तू, मैं तो लालची तो नहीं, लालची लालची। चलो तो इसको यहाँ करते हैं कट, अब पापा के पास चलते हैं। अब हम इसको लेके जा रहे हैं पापा के रूम में। चलो अपने खम्बू में मंगा लिया मैंने, चलो अब तुम छोड़ो। तो ये मेरे लिए केक लेकर आए ताकि मैं मान जाऊँ, लेकिन मैं मत मान रही हूँ। ये है ब्लैक फॉरेस्ट केक जो मेरा फेवरेट है। तो हम सब ने केक खा लिया और अब मैं थोड़ी सी खुश हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं अभी भी नाराज हूँ। इनको देखिए कैसे पानी भर भर के तरा रहे, देखिए देखिए देखिए, तत्तू लग रहे हो बिल्कुल तत्तू। सर आपको कैसे पता मेरा ब्लैक फॉरेस्ट फेवरेट है? वो तुम ही खिला देती ना मुझे इसलिए। देखो आज इन्होंने मेरा फेवरेट केक भी मंगा दिया। अब भाई वो मेरे बस की नहीं है, एसी वैसी में रहना भाई, साफ बात है भाई, ठंड हो रही है वैसे, वेदर अच्छा, दिल्ली का वेदर काफी अच्छा हो गया अब, पता है आप लोगों को? दिल्ली का वेदर 4-5 दिन में बता देगा तुम्हें कैसा होगा। क्यों? जब दिल्ली का वेदर चढ़ेगा ऊपर। चल आप इतने खुश मत हो, मैं आपसे। अरे भैया मैं तो ये देख रहा हूँ, वो मैं देख रही थी, पकड़ तुम ये क्या कर रही है, व्लॉग बनाओ। तो हेलो गाइस, जैसे कि आप मुझे जानते हैं मेरा नाम है पूरा और मैं काम करता हूँ पूरा, बन गया व्लॉग। तो चलिए इस पार्ट को करते हैं यहीं पर ही कट, इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्दी आपसे अभी थोड़ी देर बाद, इसलिए इसको करते हैं।
के 1 बजे ये भाई साहब चाय पी रहे हैं, देखिए बाहर से ला के खुद भी पी रहे हैं और हमें भी पिला रहे हैं, ये देखिए। अभी भी देख रहे हैं सीरीज, उधर चल रही है फोन में हम दोनों की सीरीज, तो इसको करते हैं कट और हम देख रहे हैं सीरीज। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और मैं अब जस्ट सोने जाऊँगी। तो आज जलील शायर की शायरी नहीं हुई क्योंकि वो अपने घर पे गए हुए हैं और वो आज नहीं आए थे, तो इसलिए उनकी शायरी रह गई है। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग में उनकी शायरी ज़रूर लूँ। तो अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और प्यार देते रहिए। अल्लाह हाफिज़।